हेलो दगड़ियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गंगोत्री यूट्यूबर्स पर। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आपने सबसे पहले मिला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज मेरे मायके मुखवा में। तो आज मैं आपसे एक साल पुरानी याद जो है पेश कर रही हूँ, जो है अक्षय तृतीया के पहले दिन से लेकर अक्षय तृतीया के दिन तक की है। तो अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा के कपाट खुलते हैं और आज भी अक्षय तृतीया ही है। तो आप सब लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ से माँ गंगा मुखवा से तैयार हो चुकी है, यहाँ से प्रस्थान करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। और माँ गंगा का जो है भोग लगाया गया है, सारे गाँव वालों के जितनी भी औरतें होती है सब आके माँ गंगा को भोग चढ़ाती हैं। उसके बाद सारे तैयार होकर अपने आंगन में आके माँ गंगा की विदाई के लिए तैयार होते हैं। तो देख रहे होंगे आप, माँ गंगा की विदाई हो रही है इस टाइम में। तो इस टाइम मुखवा जो गांव है, जब माँ गंगा चली जाती है बड़ा ही सुनसान हो जाता है, क्योंकि जब तक माँ गंगा वहाँ पर रहती है बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, इसके बाद चहल पहल बहुत ही कम हो जाती है। माँ गंगा यहाँ से पूरे विधि विधान द्वारा प्रस्थान कराई जाती है। उसमें प्रस्थान में जो है यहाँ के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, जो मेरे मायके वाले जो जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, उन लोगों द्वारा माँ गंगा की पूजा सजावट सब कुछ करा जाता है। उसके बाद माँ गंगा की डोली को प्रस्थान किया जाता है। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य होता है ये, माँ गंगा को देखने के लिए बहुत ही सुंदर माँ सजी होती है। उस दिन मन बिल्कुल गदगद हो जाता है और हमेशा दिमाग में माँ की एक मूरत सी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पहुँच कर बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे हम लोग स्वर्ग में हैं। तो आगे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, और आज है अक्षय तृतीया का दिन। इस पावन अवसर पर हम पहुंच चुके हैं। बीच रास्ते में जहां से हम पैदल यात्रा कर रहे हैं गंगोत्री के लिए, गंगोत्री धाम के लिए, और यहां पर बीच में जो सैलानी आए हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उनके लिए जलपान व्यवस्था की गई है गाँव वालों के द्वारा। लोग जलपान करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश विदेश से बहुत सारे यात्रीगण आए हैं यहाँ पर। पैदल रास्ते के पड़ाव में ये है एक बहुत ही प्यारी जगह, जहाँ पे देवदार के घने वृक्षों के बीच एक पुल बना हुआ है घाटी के ऊपर, और बहुत ही प्यारा पुल है ये, जिसके ऊपर से माँ गंगा की डोली थोड़ी देर में निकलने वाली है। लोग यहाँ के विहंगम दृश्य को निहारते हुए, और ये देखिए हम आगे बढ़ चले हैं बहुत बड़े पर्वतों के बीच। काबिले तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने ये पुल बनाया है, बहुत ही ऊंचा पुल बनाया गया है ये, और बिल्कुल गहराई में ये घाटी स्थित, और ऊपर से भी बहुत अजीब सा लग रहा है जब हम नीचे देख रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ऊंचा है, लेकिन काबिले तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने ये पुल बनाया है बीचों बीच, नहीं तो ये रास्ता बहुत लंबा हो के जाना पड़ सकता था सभी लोगों को। और ये देखिए गंगा मैया की डोली आती हुई इसी पुल के ऊपर से। किसको? कौन सा पत्थर? क्या शानदार नजारा है, बहुत ही सुंदर दृश्य, और पुलिसकर्मी भी सुरक्षा में तैनात, और लोग कोई सेल्फी ले रहे हैं तो कोई वीडियो बना रहा है, इस मनमोहक दृश्य को कैद कर रहे हैं अपने कैमरों में।
अब हम लोग जंगम ऋषि की भूमि पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मेन रोड भी आ जाती है और जंगम ऋषि का यहाँ पर छोटा सा मंदिर है जहाँ पर माँ गंगा की डोली को 20 मिनट के लिए आराम कराया जाएगा। पुजारी लोग पूजा करेंगे जंगम ऋषि भगवान की, और पुजारियों को तो बिल्कुल आराम ही नहीं मिलता है इस वक्त में। पुजारी जबकि नंगे पैर आते हैं, माँ गंगे की डोली उनके कंधों में होती है और माँ गंगे की जो श्रद्धा है उनके मन में, वो लोग चलते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो माँ गंगे उन पे ऐसी ही कृपा बनाए रखें। और जो आगे की यात्रा का वर्णन है वो मेरे पति जो हैं वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, खासकर मेरे मायके से जितने लोग हैं सबको आज लग रहा होगा कि हाँ आज अक्षय तृतीया है और हम लोग आज अपने गांव में होते और लॉकडाउन के वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ, आगे चलते रहें। भैरव घाटी के तुरंत बाद ये रास्ता जो हम तय कर रहे हैं, भैरव घाटी में गंगा मैया की डोली को वहीं पे रुका दिया गया है और हम चल रहे हैं गंगोत्री धाम की तरफ। अभी हम स्कूटी में हैं जहाँ पर स्कूटी चला रहे हैं श्री राजीव सेमवाल, और पीछे हम बैठे हुए हैं और यहाँ से अच्छे अच्छे सुनहरे अच्छे पलों को कैद कर रहे हैं अपने कैमरों में और ये हिमालय के दर्शन होते हुए बहुत ही शानदार खूबसूरत नजारा। मेरे ख्याल से यही गंगोत्री ग्लेशियर है। सुप्रभात दोस्तों, और स्वागत है आपका गंगोत्री धाम में, जहाँ पे ये मंदिर स्थित है गंगोत्री धाम में। और आप देख रहे होंगे कि आज जो है अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलने वाले हैं और उसी की तैयारियां चल रही हैं, पूजा अर्चना चल रही है और विधि विधान से आज जो है ये गंगोत्री के कपाट खुले जाएंगे। चारों तरफ पर्वत, बर्फीले पर्वतों के बीच स्थित ये गंगोत्री धाम माना जाना धाम है ये उत्तराखंड में। काफी दूर दूर से सैलानी आए हुए हैं यहाँ पर, आप जैसे कि देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और मंदिर को फूलों से बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो स्टे होम, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहे और लॉकडाउन का पालन जरूर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको मिले हमारी सबसे आगे वीडियो।